प्रणाम चाचा, हम हार्दिक बोल रहे हैं। खुश रहो बेटवा, खुश रहो। कैसे याद किया चाचा को? चाचा हम फाइनल में पहुंच गए हैं, हमका आशीर्वाद दीजिए फाइनल जीतने का। अरे तरक्की करो बेटवा, खूब तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चाचा हमका अपने टीम में रखे होते आज बम्बई फाइनल में होता, गलती से मिस्टेक हो गई बेटवा, अगले सीजन में आ जाना फिर। ठीक है चाचा, अब रोहित भैया से ही बात कर लेते हैं। अरे रोहित से बात नहीं हो पाएगा, उसका फोन तो मेरे पास है। रोहित भैया फोन रखना छोड़ दिए का? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे नहीं बेटवा, अभी वो भैंसिया को नहलाने गया है। अरे क्या बात है चाचा, नया काम शुरू कर दिया का? अरे नहीं बेटवा, आजकल मार्केट में शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दो भैंसिया खरीद लिए हैं। ससुराली लोग फ्री था इसलिए देख रेख में लगा दिए हैं। भैंसिया के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मुश्किल होगा रोहित भैया को। अरे साथ में किसनवा भी है, दोनों मिल के हैंडल कर लेगा। ठीक है चाचा, हम प्रैक्टिस में जा रहे हैं, जब रोहित भैया आएंगे तो हमको बात करवा दीजिएगा, उनसे भी आशीर्वाद ले लेंगे। अरे उससे का आशीर्वाद लोगे, वो तो खुद अपना झाड़ फूक करवा रहा है। अरे नहीं चाचा, सब दिन एक समान नहीं होता है, रोहित भैया फिर फॉर्म में आ जाएंगे, आप हमको बात करवा दीजिएगा। ठीक है बेटवा, आता है तो बोलता हूँ।